हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम श्रृंगार। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में मैं आपके संग कुछ बॉटल पेंटिंग के आइडियाज़ शेयर करने वाली हूं। जैसे हमारे घर में कुछ ग्लास की बॉटल्स होती हैं जिसमें सॉस वगैरह आता है या और भी कोई सामान आता है, तो जब वो खाली हो जाती हैं तो उन्हें हम यूँ ही फेंक देते हैं। तो फ्रेंड्स, उन बॉटल्स को आप फेंकिए मत, उन बॉटल्स को अगर आप पेंट कर लेते हैं तो बहुत खूबसूरत सी दिखने लगती हैं। मैं अपने घर में जो टमाटो सॉस वगैरह की बॉटल्स होती हैं उन्हें हमेशा रीयूज़ कर लेती हूँ। जिसको पेंटिंग बिल्कुल भी नहीं आती है ना, तो वो भी उन बॉटल्स को पेंट कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट से बॉटल्स को पेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बॉटल ले ली है और फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, ये टमाटो सॉस की ही बॉटल है। मेरे पास ज़्यादातर बॉटल टमाटो सॉस की ही होती हैं। जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही बताया था, जो बॉटल पेंटिंग मैं आज आपको बता रही हूँ बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। तो आप दो तीन एक्रेलिक कलर ले लीजिए जो भी आपको पसंद हो, और एक ब्रश ले लीजिए। ज़्यादा आपको सामान लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, सिंपल से मैंने जो मेरा ब्रश था उससे मैंने स्ट्रोक लगा के सिंपल से फ्लावर बनाए हैं। कोई शेडिंग वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो पेंटिंग सभी जानते हैं, हमने स्कूल में भी कर रखी है। तो देखिए कितनी खूबसूरत सी हमारी बॉटल पेंट हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट बॉटल को पेंट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ब्लू एक्रेलिक कलर लिया है, आप एक्रेलिक कलर ही लीजिएगा। थोड़ा सा मैट इफेक्ट देने के लिए इसमें मैंने बच्चों का पाउडर डाल दिया है। आप कोई भी टेलकम पाउडर डालिए और इसको पूरे बॉटल को कवर कर दीजिए। यहाँ पे मैंने फोम का एक पीस लिया है और आप देखिए कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैं यहाँ पर जो पेंटिंग कर रही हूँ ये भी मैं फिंगर से कर रही हूँ, या येलो और वाइट मैंने एक प्लेट में ही कलर ले लिए हैं। और थोड़ा शेडेड इफेक्ट देखिए ऐसे ही आ रहा है, आपको शेड डालने की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं छोटी छोटी लीव्स बनाकर अपनी जो ये पेंटिंग है इसको कम्प्लीट कर रही हूँ। आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, आप क्या इसमें देखना चाहते हैं। सिंपल सी ड्राइंग बनाइए और देखिए केवल हमारी फिंगर से ही बहुत खूबसूरत सी ये पेंटिंग यहाँ पर बन चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसको देखकर आपको भी लग रहा होगा ना कि आप भी इस तरह की बॉटल बना सकते हैं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप भी फटाफट से दो चार बॉटल पेंट कर डालिए, बहुत ही इजी है। और इस तरह की बॉटल्स अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, मैं और इस तरह के आइडियाज़ आपके संग शेयर करती रहूँगी। और देखिए हमारी ये बॉटल रेडी हो गई है, कोई भी मेहनत मैंने यहाँ पर नहीं की है। इस तरह की बॉटल्स जो होती हैं इसमें आप जो पानी वाले प्लांट्स होते हैं उनको आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत दिखाई देती हैं। देखिए बॉटल कुछ इस तरह का लुक दे रही है। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट बॉटल पेंट करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये भी एक सॉस की ही बॉटल है और देखिए यहाँ पर इसको मैं ब्लैक कलर से पेंट कर रही हूँ। अगर आपके पास डैबर नहीं है आप फोम का पीस ले सकते हैं, वो भी नहीं है तो आप किसी क्लॉथ के पीस को ले सकते हैं। और देखिए पूरा हमारा जो बेस है वो रेडी हो गया है। यहाँ पर मैं एक स्टेंसिल यूज़ कर रही हूँ। स्टेंसिल बनाना सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये स्टेंसिल भी मैंने घर पर ही बनाया है। और देखिए जो वॉल पुट्टी होती है या पीओपी होती है उसमें आप थोड़ा सा फेविकोल मिक्स कर लीजिए और एक ये पेस्ट टाइप का बन जाता है। अब जो स्टेंसिल है उसके ऊपर आप इस पेस्ट को अप्लाई कर दीजिए और जिस चीज़ का भी आपने स्टेंसिल बनाया है बहुत इजीली ये बॉटल के ऊपर आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर मैंने गौतम बुद्ध का जो पिक्चर है वो बनाया है, इसको हम सूखने देते हैं और अभी सूख चुका है। अब इसके ऊपर मैं कलर कर रही हूँ, ज़्यादा कलर की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं रेड और येल्लो दो ही कलर यूज़ करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने आपको कहा था आपको ज़्यादा कलर वगैरह लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस चीज़ का शौक़ रखते हैं तो आप ज़्यादा सामान ला सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत ही करना चाहते हैं तो एक दो कलर घर में हमेशा रखिए, छोटा मोटा DIY करना तो हम सब लेडीज़ को पसंद ही होता है। तो देखिए इस तरह से मैंने बना लिया है। अब इसके ऊपर मैं इनका बोधि वृक्ष भी बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, देखते ही देखते हमारी ये वाली बॉटल भी अब रेडी हो गई है। और ये बॉटल मैंने अपने ड्राइंग रूम में लगा रखी है और सभी को बहुत पसंद आई है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं आपको बनाना बताऊं। और लीजिए बॉटल रेडी है। अब मैं आपको जो दो बॉटल लास्ट वाली बता रही हूँ ये एनिमल प्रिंट में बताने वाली हूँ। सबसे पहले इसका हम बेस कलर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए इसको मैंने जो येलो कलर है उससे इस पर बेस दिया है, और जो रेड कलर है उसमें हल्का सा ब्लैक कलर मिक्स करके यहाँ पर कुछ छोटे छोटे डॉट्स टाइप के बना दिए हैं। आड़े तिरछे आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर एनिमल प्रिंट बना रहे हैं। तो देखिए मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं ब्लैक कलर से थोड़ी थोड़ी आउटलाइन इसमें कर रही हूँ, पूरा आपको कवर नहीं करना है। और देखिए ये जो आप जो
लेपर्ड वगैरह होते हैं उस पर जो प्रिंट होता है वो यहाँ पर मैं बना रही हूँ। जिराफ वगैरह का भी प्रिंट कुछ इस टाइप का ही होता है। तो देखिए बॉटल आपको कैसी लगी। नेक्स्ट प्रिंट जो हम बॉटल बना रहे हैं इसको मैं जो बेस कलर है वो वाइट देने वाली हूँ। और आप समझ ही गए होंगे यहाँ पर जो मैं एनिमल प्रिंट बना रही हूँ वो ज़ेब्रा प्रिंट है। तो यहाँ पर भी हमें केवल दो ही कलर्स का यूज़ करना है। वाइट कलर से मैंने इसका बेस दिया है। अब यहाँ पर मैं ब्लैक कलर से कुछ आड़ी टेढ़ी यहाँ पर लाइनें बनाने वाली हूँ। और देखिए देखते ही देखते हमारी ज़ेब्रा प्रिंट की जो बॉटल है वो अब ये रेडी हो रही है। और देखिए फ्रेंड्स मैंने जितनी बॉटल्स बनाई इसमें से आप कोई भी बॉटल नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा कठिन है बनानी। तो सारे पेंटिंग के जो आइडियाज़ हैं वो एकदम ईजी हैं और हम सभी इनको बना सकते हैं और ये बहुत टाइम तक स्टे करते हैं। इन बॉटल्स में आप मनी प्लांट, सिंगोनियम प्लांट, इस टाइप के प्लांट्स लगाइए, बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। मैंने तो ये बॉटल्स काफ़ी टाइम से बना रखी हैं। आज जो मैंने आपको बॉटल्स दिखाई वो आपको कैसी लगी, होप आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अभी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।